हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डीजी में वर्ण तथा वर्णमाला एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये भी हमारा ग्रामर का एक पोर्शन है जो हमारा व्याकरण में हमने वर्ण तथा वर्णमाला, आपको पता होनी चाहिए कि हमारे वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला कौन सी होती है। आप डीजी में अच्छे से देखें बेटा, लाइक दिस। वर्ण, वर्णमाला। बच्चों, आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला क्या है? स्वर और व्यंजन जहाँ एक क्रम से लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। अध्ययन उद्देश्य। इस अध्याय को पूरा करने के पश्चात आप जानेंगे कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार, ध्वनि क्या है, मुंह से निकली अलग अलग ध्वनियां, बुआ की ध्वनि है ब, उ, आ। जैसे आपको शब्द बनाओ कराते हैं ना, तो उसमें आपको ये पता चलता है कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है। कु, तो उ की आवाज आ रही है, कु जमा उ, आता है ना आपको। जैसे बुआ, बु ब जमा उ जमा आ, तो ऐसे ही ये जो हमारा बनता है, ये हमारी क्या होती है, ध्वनि, हमें पता चलता है। जैसे हम डिक्टेशन बोलते हैं तो हमें ये पता चलता है ना कि हमारी मात्रा कौन सी आती है, तो ये हमारी क्या होती है, ध्वनि। ध्वनि है आ, अण, अ। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रि, ए, ए, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, द, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अं, और अह। ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। ड और ढ, ये वर्ण भी व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं। सारांश। मुख
से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती है। तो आपको पता चल गया कि हमारे स्वर कौन से थे, ए से हमारा औ तक क्या है जो हमारे स्वर है, और ये जो हमारे ऐसे थे जो हमारे संयुक्त वर्णों से हमारे बने जाते हैं। ठीक है, अब हमारा है व्यंजन। ध्वनियों को छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आपको बता दिए, व्यंजन क से ज्ञ तक होते हैं हमारे व्यंजन। हाँ जी, मेंढक को मेंढक के साथ हमने क्या कर दिया, मिलान कर दिया। शाबाश, मिलान करें। वर्ण वर्णमाला। बच्चों आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला क्या है? स्वर और व्यंजन जहाँ एक क्रम से लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। अध्ययन उद्देश्य। इस अध्याय को पूरा करने के पश्चात आप जानेंगे कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार, ध्वनि क्या है, मुंह से निकली अलग अलग ध्वनियां बुआ की ध्वनि है ब उ आ। आ आ की ध्वनि है आ अण अ। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ औ। व्यंजन क ख ग घ अण च छ ज झ अण ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह।
अह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। क्ष त्र ज्ञ श्र ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। ड और ढ ये वर्ण भी व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं। पांच मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती है। ध्वनियों को छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन।